Beijing is yet again facing the heat over its alleged human rights violations of Uyghur Muslims, a minority community in China, which is said to be facing incarceration in the Xinjiang region of the country. These people are the recent reports of leaked photos made a shocking picture of the atrocities that minority facing. The United States has accused Beijing's highest level authorities of being involved in. दोस्तों CNN, The Guardian, Vox.com, बीबीसी न्यूज, ह्यूमन राइट्स ग्रुप, बिजनेस इनसाइडर और विकिपीडिया, ये है दुनिया की पॉपुलर इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट जो पिछले कुछ सालों से ये चीख चीख कर बता रही है कि चाइना वहाँ पर रहने वाले उइगुर मुसलमानों को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करके उनका शोषण कर रहा है, जिसके कारण चीन में उइगुर मुसलमानों की आबादी पिछले कुछ सालों में तेजी से कम हुई है। पर दोस्तों, इतना कुछ पता चलने पर भी दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश, यानी कि जो देश अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज बोलते हैं, अभी तक भी उन सभी के कानों में जूं तक भी नहीं रहेंगी है, बावजूद इसके कि चीन के शोषण के कारण लाखों मुसलमानों की जान तक भी जा चुकी है, जिसका डेटा आपको इन सभी वेबसाइट पर भी मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाके आप खुद चेक कर सकते हो। पर जब बात आती है भारत की, जहां पर मुसलमानों को अपने सभी ट्रेडिशन फॉलो करने की आज़ादी है, यहां पर जब कोई मुस्लिम गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है और जब इसको भारत सरकार के द्वारा कुछ छोटी मोटी सजा दी जाती है, तब हर एक इस्लामिक कंट्री भारत को इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम करने लगते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चीन में मुसलमानों को कहां पर कैद किया गया है, जिससे इनके इस्लामिक ट्रेडिशन को खत्म किया जा सके, और क्यों इस्लामिक कंट्रीज चाइना के खिलाफ कुछ भी कहने से डरती है, और वो कौन कौन से देश है जहां पर मुसलमानों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये सैटेलाइट इमेज चाइना के उस इलाके की है जहाँ पर चीन ने 1 मिलियन से भी ज्यादा उइगर मुसलमानों को कैद किया हुआ है। यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्लान और प्रोसीजर के साथ उइगर मुसलमानों की इस्लामिक कट्टरता खत्म करती है। साल 2017 से चाइनीज गवर्नमेंट ने सिंजियांग के इस डिजर्ट रीजन में उइगर मुसलमानों को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने के लिए इन री एजुकेशन कैंप्स को बनाना स्टार्ट किया था, जिसको चाइना वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर भी कहता है, जिनकी संख्या चाइना ने साल 2020 तक काफी ज्यादा बढ़ा दी थी। चाइनीज गवर्नमेंट ने इस इलाके में वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो कैप्चर करने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है, और साथ में ही यहाँ पर न्यूज रिपोर्टिंग करना भी बैन है। चीन के इन री एजुकेशन कैंप्स में उइगर मुसलमानों को किस हद तक मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जाती है, इस बात की पुष्टि वो हजारों उइगर मुसलमान कर चुके हैं जो चाइना के इन री एजुकेशनल कैंप से जिंदा बचकर निकल गए थे। 3 फरवरी 2022 को एक उइगर मुस्लिम महिला ने एक बुक इंटरनेट पर पब्लिश की, जिसमें उस महिला ने बताया कि कैसे वो चाइनीज री एजुकेशन कैंप से जिंदा बच पाई थी। इस बुक का नाम है हाउ आई सर्वाइव्ड ए चाइनीज री एजुकेशन कैंप ए उइगर वुमेन स्टोरी, जिसको आप गूगल पर भी चेक कर सकते हो। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सिंजियांग रीजन में चाइनीज गवर्नमेंट का मकसद केवल उइगर मुसलमानों की इस्लामिक कट्टरता को खत्म करना ही नहीं, बल्कि साथ में ही चाइनीज गवर्नमेंट उइगर मुसलमानों से जबरदस्ती काम करवा के मोटा पैसा भी छापती है, जिसकी पुष्टि दिसंबर 2020 में बीबीसी की एक रिसर्च ने की थी। क्योंकि चीन का सिंजियांग रीजन मोस्टली डिजर्ट रीजन है, जहां पर 12 मिलियन से ज्यादा यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। चीन का ये इलाका दुनिया के 5वें हिस्से की कॉटन प्रोड्यूस करता है, और साथ में ही ये इलाका ऑयल एंड नेचुरल गैस में भी रिच है, जिसके कारण चाइनीज गवर्नमेंट सिंजियांग में अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए उइगर मुसलमानों से जबरदस्ती काम करवाती है, जिसका दावा बीबीसी न्यूज और ह्यूमन राइट ग्रुप्स के साथ साथ दुनिया की कई इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट्स भी कर चुकी है कि कैसे चाइना उइगर मुसलमानों को हर प्रकार से यूज करता है। और शायद ही आपको पता होगा कि साल 2017 से लेकर साल 2020 तक चाइना ने सिंजियांग में मौजूद हजारों मस्जिदों को तोड़कर पब्लिक टॉयलेट बना दिए थे, जिसके सबूत इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि चाइना खुल्लम खुल्ला उइगर मुसलमानों की ही नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। पर फिर भी दुनिया के सबसे पावरफुल इस्लामिक कंट्रीज इस मुद्दे पर चुप बैठे हैं। और दोस्तों, आप ये जानकर शॉक्ड रह जाओगे कि साल 2019 और साल 2020 में सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सिंजियांग पॉलिसी का समर्थन किया था।
साथ में ही मिस्र, बहरीन, पाकिस्तान, यूएई जैसे मुस्लिम देश उन देशों में शामिल थे जिन्होंने यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यों में चीन के योगदान का समर्थन किया था और साथ में ही चीन की तारीफ भी की थी कि सिंजियांग में चाइना ने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ को फैलने से रोका है। पर दोस्तों यहां पर अब सोचने वाली बात ये है कि चीन के आगे सभी इस्लामिक देश नतमस्तक क्यों हैं? इसके दो तगड़े उदाहरण हैं। पहला चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, दूसरा 50 मुस्लिम देशों में 31 लाख करोड़ रुपए का चीनी निवेश और साथ में ही कुछ इस्लामिक देश चीन के कर्ज के नीचे दबे पड़े हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। दोस्तों क्या आपको पता है कि चीन के साथ इस्लामिक देशों के मजबूत आर्थिक संबंध है जिसके कारण ये देश उइगर मुसलमानों के मुद्दों पर चीन का विरोध करके अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए इस्लामिक देश इस्लामिक ट्रेडिशन की बेइज्जती से ज्यादा अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए तय करते हैं कि कहां पर आलोचना करनी है और कहां पर नहीं। सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट के कई देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं जो साल 2013 में स्टार्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट का मकसद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ओशिनिया के 78 देशों को रेल मार्ग, शिपिंग लेन और अन्य नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है। और दोस्तों चीन इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी जड़ें काफी गहरे तरीके से जमा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 50 इस्लामिक कंट्रीज में 600 अलग अलग प्रोजेक्ट में चीन ने कुल $400 अरब यानी कि 31 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसीलिए इस्लामिक वर्ल्ड चीन में हो रहे मुस्लिम नरसंहार पर आंखें मूंदे रहता है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि स्लोवाकिया, हंगरी, म्यांमार और अंगोला जैसे देशों में मुसलमानों के हर एक ट्रेडिशन को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है जिसको आप इंटरनेट पर भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।